स्त्री विषयक होती है, फेमिनिज्म पर होती है। तो मेरी एक रचना पढ़ते पढ़ते एक बार मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा कि तुम हमेशा ही स्त्रियों के बारे में इतना लिखती हो, पुरुषों के बारे में तुम्हारे क्या ख्याल है, क्या सोचती हो तुम उनके बारे में? तो उसी के जवाब में मैंने ये कविता लिखी है जिसका टाइटल है हाँ ये पुरुष है। शुरू करना चाहूँगी। हाँ ये पुरुष है, माना माना कि इनकी आंखों में नमी नहीं होती, पर इनके दिल में भी जज्बातों की कमी नहीं होती। शुक्रिया। हाँ ये पुरुष है, प्यार जताने का इनका अलग ही तरीका होता है। कभी डांटते हैं, कभी गुस्सा करते हैं, कभी हुक में चलाते हैं, तो कभी कभी रौ भी जमाते हैं। सीधे सीधे कोई बात ये बताते नहीं, फिक्र हमारी सबसे ज्यादा करते हैं, पर प्यार से कभी जताते नहीं। शुक्रिया। हाँ ये पुरुष है, दफ्तर और घर को लंबी उम्र तक बैलेंस करते हैं, हालातों से ये भी लड़ते हैं, कभी माँ को कह नहीं पाते, कभी बीवी को कहना नहीं चाहते, और नाराजगी दोनों से ही सहते हैं। वैसे तो ये निडर है पर रिश्तों को खोने के डर से अक्सर ये डरते हैं। हाँ ये पुरुष है। थैंक यू, शुक्रिया। बातों में शक्ति, कांधों में मजबूती और सीना फौलादी रखते हैं। बातों में शक्ति, कांधों में मजबूती और सीना फौलादी रखते हैं, पर आंगन से जब उठती है डोली सबसे ज्यादा यही रोते हैं। हाँ हाँ ये पुरुष है, बच्चों से लेके बुजुर्ग तक की जिम्मेदारियां ये उठाते हैं। ऐसा नहीं, ज़्यादातर लोगों को लगता है कि औरत ही सेक्रीफाइस करती है शादी के बाद अपने जीवन में, पर ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरी सोच है, पुरुष भी एक जो रिच है उसकी बात अलग है, पर जो मिडिल क्लास है सच बता रही हूँ, जो मिडिल क्लास है उनको कभी कभी घूमने जाना है, ट्रिप भी करनी होती है, कपड़े लेने होते, पर उसके साथ साथ माता पिता की जिम्मेदारी भी होती है, कभी कभी बच्चों की फीस आ जाती है, कभी बीवी की जिम्मेदारियां भी होती है, सामाजिक खर्चे भी होते हैं, तो वो लोग नहीं कर पाते। तो उसी से जुड़े हुए मैंने ये लिखा है कि बच्चों से लेके बुजुर्ग तक की जिम्मेदारियां ये उठाते हैं, ख्वाहिशों को खुद की कफन चढ़ा के अपनी पूरी जवानी जलाते हैं। हाँ ये पुरुष है। शुक्रिया। जब भी कोई मुसीबत आती है परिवार से पहले इनसे टकराती है। अरे कुछ नहीं होगा, चिंता छोड़ो और सो जाओ, मैं हूं ना, कह के सबको सुलाते हैं और फिर वही चिंता में खुद को पूरी रात जगाते हैं। हाँ ये पुरुष है। जिंदगी भर परिवार के लिए जीते हैं आधी से ज्यादा जिंदगी घर के बाहर ये जीते हैं। लोन के कर्ज और सामाजिक फर्ज में एक उम्र गुजर जाती है खुद के लिए ये भी कहाँ लगातार जीते हैं। शुक्रिया। पिता पति भाई या दोस्त इसका हर रूप निराला है, कभी ना कभी किसी ना किसी ने हमें हर वक्त हर दम संभाला है। हाँ ये सच है कि इंसान को जन्म देती है औरत, पर इनके बिना क्या वजूद हमारा है। हाँ ये पुरुष है। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।